नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जुगरा राजपुरा के जंगल से सामने आया है, जहां दो अधजले शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। देर रात सिरसा कलार थाना पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में कुछ अधजले शव पड़े हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस हमराहियों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा अधजले शवों की फोटो उच्च अधिकारियों तथा सोशल मीडिया में वायरल की तो दोनों मृतकों की पहचान राशिद पुत्र बसीर 24 वर्ष तथा दूसरा नसीम पुत्र शेखर खां 18 वर्ष निवासी गढ़ उरई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मामा भांजी हैं और पिछली 30 अप्रैल से लापता थे। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि आखिर ये दोनों यहां तक कैसे पहुंचे और किसने इन दोनों के शवों को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस के द्वारा इस घटना की जल्द ही अनावरण किया जाएगा और घटना स्थल की ओर आला अधिकारियों तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं फॉरेंसिक टीम रवाना की गई है। जालौन उत्तर प्रदेश से राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। सर, जले हुए शव मिले, क्या है पूरा मामला? ये कल देर रात सूचना मिली थी थाना सिरसा कलार में जुगराजपुर और मऊ कलार के पचास वहाँ दो अकेले शव तत्काल सीकू कराया गया था और भर्ती कराई गई थी कहाँ से छुट्टी हुई तो तत्काल पता चल गया कि कोतवाली उरई का प्रकरण था। मामा और भांजे रशीद करीब उम्र 24 वर्ष सना बसीर था और नसीम सना शेरखा 18 वर्ष के मामा भांजे थे। ये नई बस्ती कोतवाली से गायब थी और कोतवाली में 364 का अभियोग भी पंजीकृत था। तो तत्काल उसके घर वालों को बुलाया गया, घर वालों ने कपड़ों और जूतों के आधार पर मृतक की तस्दीक कर ली। हमारी यशोजी टीम सिरसा कला जालौन और ये कुठौर पुलिस रात को ही घटना के अनावरण के प्रयास में लगे। घटना का अनावरण हो चुका है, कारण का भी पता चल चुका है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। हम अतिशीघ्र गिरफ्तार करके घटना का पूरी तरह से अनावरण कर देंगे। पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सिरसा कला द्वारा की जा रही है और वियोजना कोतवाली उरई द्वारा। सर, क्या वजह रही थी कि 29 तारीख को परिजन भटक रहे थे और पुलिस के गुमसुरी तक दर्ज नहीं की थी? परिजनों का आरोप लेंगे, ये जांच में गए थे उन्होंने वापसी में क्या लिखा इसकी चेक करा लें। हालांकि 364 का मुकदमा लिख गया है, अगर ऐसी बात है तो